नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव पहुंचे भागलपुर, पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मां बेटे की हुई मौत, छिनतई की घटना में अपराधी की शिनाख्त कर थाने से लौट रहे थे घर। हाबीपुर में करंट लगने से युवक की हुई मौत, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। और स्कूल के समीप कुएं में डूबने से 8 वर्षीय छात्रा की हुई मौत, परिजनों ने प्राचार्य को बनाया बंधक। अब खबरें विस्तार से। साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव लोकेश कुमार गुरुवार को भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां सचिव ने कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव लोकेश कुमार ने भागलपुर के बराले स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शैक्षणिक गतिविधि और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारियां लेकर कॉलेज प्रबंधन से कई बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव लोकेश कुमार ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के साथ मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए शैक्षणिक माहौल का विस्तार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के छात्रों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इसे और अधिक बेहतर करने की जरूरत है, जिसके लिए विभाग तत्पर है। इसके अलावा सचिव लोकेश कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से समय समय पर इस तरह की रूटीन इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें शिक्षण कार्यों की गुणवत्ता और व्यवस्था की कमियों की जानकारी ली जाती है, जिसके आधार पर व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। वहीं निरीक्षण के दौरान भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत कई अधिकारी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मी मौजूद रहे। तो आप सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन अभी हमारे पास काफी शिक्षक हैं। कुछ गेस्ट लेक्चर के माध्यम से जो रिक्त पद हैं उसके माध्यम से पढ़ाई होती है, लेकिन हाल के दिनों में सरकार के स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई बड़ी तेज गति से की जा रही है और अभी अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए कई ब्रांच के शिक्षकों की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है सरकार को, तो जिसमें नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। कई के एग्ज़ाम हुए हैं, कई का विज्ञापन निकला है, कुछ के साक्षात्कार हुए हैं, इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। और सब विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए, क्योंकि शिक्षक और छात्र ये दोनों मिलते हैं तभी संस्थान बेहतर बनता है। फिर तृतीय बात है कि सारी आधारभूत संरचनाओं को ठीक किया जाए, तो हम लोग दोनों दिशा में काम कर रहे हैं और आपको परिणाम दिख भी रहा होगा, कुछ नियुक्ति हो भी रही है और नियर आने वाले दिनों में और ज्यादा नियुक्तियां होने वाली। बांका के धौरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत धौरैया सनहोला मुख्य मार्ग SH84 पर तिलबारी गांव के समीप बुधवार की शाम हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कहलगांव के खुठरी निवासी रंजीत कुमार और उनकी मां संजू देवी धौरैया से वापस अपने गाँव खुठरी जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों माँ बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। वही इसके बाद गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए भागलपुर माइग्रेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों मां बेटे की मौत हो गई। इधर परिजनों का कहना है कि बीते 6 जुलाई को धौरैया थाना क्षेत्र में रंजीत के साथ छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें बदमाशों ने उसकी बाइक और मोबाइल छीन ली थी, जिसकी शिकायत रंजीत ने धौरैया थाने में की थी। वह इस मामले में बुधवार को धौरैया पुलिस ने एक बदमाश को पकड़कर उसके पास से मोबाइल बरामद किया था और बदमाशों की शिनाख्त के लिए पुलिस ने रंजीत को धौरैया थाने बुलाया था, लेकिन वापसी के क्रम में दोनों घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पहले धौरैया अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन दोनों को JLNMCH रेफर कर दिया गया। भागलपुर हाबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हबीब शाह चौक के समीप गुरुवार की अहले सुबह मकान का छड़ पकड़ लेने के कारण करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इसके बाद काफी देर तक युवक छड़ से सटकर लटकता रहा, जिसे देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से युवक को उठाकर मायगंज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की पहचान चमेली चक निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद अफरोज के रूप में हुई।
हुई है, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा युवक को जान गंवा कर भुगतना पड़ा। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हबीबपुर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों ने बताया है 7:45 में दुकान खोलने के लिए हमको हीरा हूं आवाज देके बुलाई। वही देखो पेट सीधा करके ऐठा हुआ था। हम आए, क्या चीज में लगा हुआ था वो? तार पकड़ा हुआ था, उसका छड़का छड़का। तो हमको पुलिस, तो हम गए अंदर, बोला देखिए ना आपके छत पे कोई है, उसकी माँ बहन सब सोई हुई थी। अच्छा। तो बोल के तुम ही जाके देखो। हम जाके देखा तो पूरा मुंह मक्खी लगा था, हम समझ गए करंट लगा। हम उसको आके बोला देखिए लग रहा है कि डेड कर गया था। वो लोग गए उठ करके। क्या नाम था उसका? अफरोज। वो गया था चदरे पर, घर के बगल में चदरा था ना, वो गया था कुछ काम से, भाई उसको करंट लग गया उसको, भाई आते नहीं मिला ना, तो एक घंटे से पकड़े रहा हूँ वो। ध्यान नदी सवेरे का समय था, वही करंट लग गया उसको। क्या नाम है इसका? मोहम्मद अफरोज। भागलपुर के गुरहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय कलिकापुर में 8 वर्षीय छात्रा की कुआं में डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं शव को कुएं से बाहर निकालने के बाद स्कूल परिसर में रखकर आक्रोशित लोगों ने हेडमास्टर को बंधक बना लिया। मृतक छात्रा की पहचान गौतम मंडल की पुत्री निशा कुमारी के रूप में हुई है, जबकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गुरहाड़ी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी वह वहियार में स्थित कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय में शौचालय रहने के बावजूद शिक्षक उसमें ताला लगा कर रखते हैं, जिसके कारण बच्चों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है और इसी लापरवाही ने छात्रा की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मृतक बच्ची के पिता बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं। वही थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा आवेदन मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर 0 माइल थाना के आसपास से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने गुरुवार को निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में इलाके से अतिक्रमण हटाया गया। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि 0 माइल थाना के पास चौराहा होने और जब्त गाड़ियों को सड़क के किनारे रखने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सक्रिय होने के कारण इस जगह पर कभी भी किसी बड़ी घटना होने की संभावना जताते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि 0 माइल चौराहा से जाम की समस्या को दूर करने के लिए यह कार्रवाई की गई है और आगे भी शहर में अन्य जगहों पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग को इंजीनियर साहब लोग के साथ ये जो चौराहा है इसके जाम की समस्या है इसको देखने के लिए भेजा गया था। तो जो यहाँ पे जो टेक्निकल जो इंजीनियर साहब लोग के द्वारा जो सुझाव दी गई है कि कहाँ से थोड़ा सा रूट का बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम लोग और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से कहाँ पे गाड़ियों को रोकी जा सकती है, तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज ऐसे ही देखा है। भागलपुर BSNL महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में गुरुवार को ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के आह्वान पर विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे BSNL कर्मियों ने वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन, 4G एवं 5G का लाइसेंस देने, BSNL की 33,000 करोड़ जमा पूंजी वापस करने और 14,000 टावर को बेचना बंद करने की मांग
मांग की। साथ ही कहा कि सरकार BSNL रिवाइवल के नाम पर कर्मियों और आम लोगों को बरगलाना बंद करे। मौके पर सुनील प्रसाद सिंह, काली यादव, वीरेंद्र कुमार, मोहम्मद रहीम अंसारी समेत काफी संख्या में BSNL कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मी मौजूद रहे। हम लोगों का प्रदर्शन था AUB के कॉल पर, AUB ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन संगठन का ऑल इंडिया कॉल था, उसी पर आज हम लोग प्रदर्शन का था, काला बिल्ला लगाना था, वही मांग तो वही आदेश था, उसी पर हम लोग आज प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले और सरकार को आपके माध्यम से, विभाग के आला अधिकारी को यह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को पे रिविज़न दिया जाए। ये जो GM है हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी GM, इसको पे रिविज़न मिल गया 17 में ही और हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। कमाई हमारी है, कमाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, घाम हम चुबाते हैं और पैसा उन लोगों को मिला हुआ है। पीरपैंती प्रखंड के प्रियदर्शनी विवाह भवन में किसान मोर्चा की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवालक तिवारी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र एवं बुके देकर किया गया। वहीं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव ने कहा कि देश में विगत 8 वर्षों से भाजपा की सरकार है और संगठन की ओर से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश में लगातार है। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके हैं उन सभी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई, जिससे समस्याओं का निदान हो सके। साथ ही उन्होंने बिहार के 200 विधानसभा में अन्य मोर्चा के प्रभारी नियुक्त किए जाने और 2 दिन तक विधानसभा में प्रवास करने की बात कही। बैठक में कहा गया कि आगामी 30 और 31 जुलाई को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। मौके पर विधायक ललन पासवान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भरत ढाली, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजीव रंजन सिंह, प्रदीप सिंह सहित विभिन्न मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की विगत 8 वर्षों की जो सरकार है और उस सरकार द्वारा जनहित में चलाए गए तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का और उसे जो लाभ लिए हैं, जो लाभुक हैं, उन सबों से मिलने का कार्यक्रम है और अपने कार्यकर्ताओं को तमाम योजनाओं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जन जन तक ले अपनी समस्याओं को, अपनी जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना को लोगों तक पहुंचाने का और उससे उसका निदान करने का कार्यक्रम। देखिए मेरे भाई साहब बजरंगी जी जो बताया है वही सही बताया है। हमारा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 8 साल पूरे हुआ है और जो सारे के सारे योजना लगभग ऑल इंडिया में इसका अच्छा फल है, सारे के सारे राज्यों का जो हमारा लाभ इसका फायदा पा रहा है। तो और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव पहुंचे भागलपुर, पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मां बेटे की हुई मौत, छिनतई की घटना में अपराधी की शिनाख्त कर थाने से लौट रहे थे घर। हाबीपुर में करंट लगने से युवक की हुई मौत, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। और स्कूल के समीप कुएं में डूबने से 8 वर्षीय छात्रा की हुई मौत, परिजनों ने प्राचार्य को बनाया बंधक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।